हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कार्टून्स। तो आज है हम लोग डाउनगेरे के इंडियन कार्स के सेकंड कार के शोरूम में। अगर आपको कोई भी सेकंड हैंड कार चाहिए या फिर आपको कार को बाई करना है या फिर सेल करना है, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे आपको कौन सी भी मॉडल की कार होना है, आपको कोई सी भी कार चाहिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके आप शोरूम पर इनके विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको रेट्स भी नेगोशिएबल मिल जाएंगे, बाकी यहाँ पर आपको वेल मेंटेन्ड कार मिल जाएगी। और हम अब पर्टिकुलरली आपको एक ह्युंडई आई 20 वेरिएंट का यहाँ पे डिटेलिंग रिव्यू करने वाले हैं। सो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे आपको कितने अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड कार मिल जाएगी। सो आज हम लोग करने वाले हैं हुंडई की i20 कार का रिव्यू। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट ये है, ये आके 2016 मॉडल है। सो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको पेंट की क्वालिटी भी अभी अच्छी खासी पेंट की क्वालिटी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे देखो गाइस, हेडलाइट्स थोड़ा सा शेड हुए हैं धूप की वजह से। बाकी 8 साल की कार होने पर भी जैसे लुक के हिसाब से आप देखेंगे तो 8 साल की ही लग ही नहीं रही है। बाकी इतनी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड यहाँ पे आपको कार्स मिल जाएंगी। बाकी यहाँ सेंटर में देखेंगे तो हुंडई का लोगो मिल जाता है, ग्रिल विल पूरा सब कुछ आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। बाकी पेंट सब कुछ अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाएगा। हेडलाइट्स थोड़े से शेड हुए हैं। बाकी यहाँ पे हेडलैम्प सेटअप की बात करेंगे तो हैलोजन हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हैलोजन टर्न सिग्नल्स मिलते हैं, नीचे आपको फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको नीचे ग्रिल मिल जाती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका अच्छा खासा आपको मिल जाता है। बाकी एक बार साइड प्रोफाइल की इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे साइड से भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी दिखती है, काफ़ी एक लंबी गाड़ी ये दिखती है। बाकी क्रोम के भी थोड़े से ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। टायर्स वायर सब कुछ यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। बाकी पूरा सर्विस सब कुछ आपको यहाँ पे शोरूम पे अच्छी तरीके से मिल जाएगा। टाइप्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। इसके टाइप प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 185/70 R 14 इंचेस के यहाँ पे आपको टाइट साइज मिल जाता है। बाकी ये पूरा भी आपको यहाँ पे ऑटो फोल्डेबल टर्न सिग्नल्स, ऑटो फोल्डेबल वॉर वैम्प्स मिल जाते हैं विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स। यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। हर तरीके से भी कोई भी यहाँ पे पेंट वेंट वगैरह नहीं हुआ है, पूरा कंपनी पेंटेड ही यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी साइड प्रोफाइल देखेंगे तो काफ़ी इस तरीके से कुछ अच्छी तरीके से लुक आता है। अब बात है इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की। सो रियर से भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ये गाड़ी दिखती है। बाकी रियर में डिटेलिंग में बात करेंगे तो यहाँ पे सेंटर में आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है। बाकी इधर नीचे देखेंगे तो रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है। बाकी ऊपर देखेंगे तो डिफोगर मिल जाता है। यहाँ पे आपको हाई स्टॉप ब्रेक लाइट मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है, ऊपर की तरफ आपको एंटीना मिल जाता है। बाकी इधर टेल लैंप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टेल लाइट्स मिल जाते हैं। इधर देखेंगे तो ये इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बाकी i20 की बैडजिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये पूरा आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको नीचे की तरफ मिल जाएगी। बाकी इसके बूट स्पेस से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे आपको मैसिव स्पेस यहाँ पे आपको बूट में मिल जाएगा। अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये पूरा टूल किट वगैरह आपको देखोगा इस पूरे अच्छी खासी अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंटेन किए गए हैं। अच्छी टूल किट वगैरह मिल जाएगी आपको। बाकी नीचे स्पेयर व्हील भी आपको मिल जाएगी, स्टील रिम के साथ स्पेयर व्हील भी आपको यहाँ पे नीचे की तरफ प्रोवाइड की गई। उसकी भी साइज की बात करेंगे तो 14 इंचेस की आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगी। बाकी बूट में क्या क्या मिलता बोले तो इधर आपको एक इधर हुक मिल जाता है, इधर अच्छा खासा स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाता है। बाकी अंदर की लुक्स की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से बाहर से अंदर का लुक आता है इस गाड़ी का। अब अंदर चल के डिटेलिंग में बात करते हैं तो इसके सेकेंड रो से हम लोग इंटीरियर की शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी व्हाइट डोर मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो ड्यूअल टोन का कलर इंटीरियर मिल जाता है, ब्लैक और बीच के कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करेंगे तो ये डार्क क्रोम में यहाँ पे डोर ओपनिंग लीवर मिल जाता है। पावर विंडो को अप डाउन करने के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हर डोर पे भी एक ट्विटर और एक स्पीकर मिल जाता है। डोर पॉकेट्स भी अच्छे खासे हैं। इसकी क्वालिटी 8 साल के होने के बावजूद भी अच्छी खासी क्वालिटी के कार्स आपको यहाँ पे इंडियन कार्स पे मिल जाएंगे। बाकी इसके सेकेंड रो की लुक की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे पूरे आपको लेदराइट सीट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एक बार इसकी साइज की बात करेंगे तो लेगरूम की बात करेंगे तो अच्छी खासी लेगरूम यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। अच्छा खासा लेग ओपनिंग एरिया भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी इसके अंडर थी सपोर्ट की भी हम लोग बात करेंगे तो वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी इसका हेडरूम की भी बात करेंगे तो वो भी अच्छी खासी यहाँ पे आपको हेडरूम की भी स्पेस मिल जाएगी। बाकी ये ग्रैब हैंडल वगैरह सब कुछ आपको जैसा पहले थी नवी कार में वैसे ही यहाँ पे आपको मेंटेन किए गए हैं। बाकी यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो लैंप्स मिल जाएंगे। सारा का सारा ही आपको अच्छी खासी वर्किंग कंडीशन में मिलता है। इतने साल पुरानी होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको कोई भी कलर शेडिंग नहीं हुआ है, कोई भी यहाँ पे अंदर के इक्विपमेंट्स देखोगे तो सब कुछ यहाँ पे आपको वेल मेंटेन मिलते हैं। ये नहीं कि पूरा शेड हुआ है, एसी वेंट्स खराब हुए हैं, ब्लोअर खराब हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। पूरा आपको अच्छी तरीके से अच्छी खासा वेल फिट एंड फिनिश यहाँ पे आपको पूरा मिल जाता है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी की सामने की तरफ ड्राइवर साइड डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे
जैसे डोर ओपन करेंगे तो काफी वाइड यहाँ पे भी आपको डोर मिल जाता है, यहाँ पे भी ड्यूअल टोन का कलर का इंटीरियर मिल जाता है। कंट्रोल्स की बात करेंगे तो चारों पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, और वे हमको एडजस्ट करने के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे डोर ओपनिंग लीवर मिल जाता है, डोर पॉकेट्स भी अच्छे खासे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। स्पीकर की ग्रिल विल यहाँ पे कंट्रोल्स पूरे भी अच्छी तरीके से यहाँ पे भी पूरा ऑपरेटिंग है, कोई भी यहाँ पे चीज खराब नहीं हुई आपको। 8 साल के होने के बावजूद भी अच्छी कार मेंटेन हुई गई है, ऐसे क्वालिटी कार्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी इधर देखेंगे तो ड्राइवर कैबिन कुछ इस तरीके से दिखती है। इसकी सीट्स की ये कंट्रोल्स की बात करेंगे तो ये रिक्लाइन और हाइट को एडजस्ट करने के यहाँ पे आपको नॉर्मल लीवर्स मिल जाते हैं, लेदर वाइट सीट सारी मिल जाती है। इधर देखेंगे तो हेडलाइट लेवलर को एडजस्ट करने का कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एसी वेंट्स भी आपको काफी अच्छी तरीके से मेंटेन मिल जाते हैं यहाँ पे। बाकी स्टेयरिंग व्हील से अंदर बैठ के डिटेलिंग में बात करते हैं। बाकी इसके स्टेयरिंग व्हील से हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर में हुंडई का लोगो मिल जाता है, ये लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसमें कंट्रोल्स की बात करेंगे तो सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं। इधर देखेंगे तो सारे कॉल के वॉइस असिस्ट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी इसके राइट लीवर की बात करेंगे तो सारे ऑटो हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटो ने नॉर्मल हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिलते हैं। इधर देखेंगे तो सारे वाइपर्स के कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बाकी इसके एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टिल्ट एंड देन टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी काफी पूरी की पूरी चीजें सारी वर्किंग कंडीशन में है, अच्छी खासी यहाँ पे आपको सारा अच्छा खासा मेंटेन किया गया है। बाकी इसके एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, और सेंटर में आपको MID दी गई है। यहाँ पे किलोमीटर्स देखेंगे तो 1,64,000 यहाँ पे आपको ये गाड़ी रनिंग हुई है, और यहाँ पे इधर देखेंगे तो स्पीडोमीटर शो होता है, उधर देखेंगे तो ये ट्रैकोमीटर शो होता है। सेंटर में आपको फ्यूल का और इंजन टेम्परेचर का गेज मिल जाता है। सेंटर में डिजिटल स्पीड मिल जाती है आपको, ट्रिप पे ट्रिप भी, ये सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, और सारे आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, वार्निंग। इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो सेंटर लॉकिंग करने के बटन्स मिल जाते हैं। सारी बटन्स यहाँ पे आपको वर्किंग है, कोई भी यहाँ पे आपको खराब हुआ या फिर कोई भी कलर शेडिंग होने दे, कुछ भी ऐसा वैसा चीज यहाँ पे आपको नहीं मिलती। बाकी ये 2 AC वेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इधर देखेंगे तो पूरा म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। इधर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। नीचे पावर आउटपुट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 180 वाट्स का सॉकेट एक मिलता है, एक USB टाइप ए पोर्ट मिलता है, और एक ऑक्स केबल मिल जाता है मीडिया के लिए। यहाँ पे नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। इधर देखेंगे तो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का यहाँ पे गियर शिफ्टर मिल जाता है। बाकी इधर देखेंगे तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक यहाँ पे आपको मिल जाता है। इधर आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो ये आपको आर्मरेस्ट स्लाइडेबल नहीं मिलता, फिक्स्ड मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, सो ये काफी अच्छी बात है। इधर सनवीज की बात करेंगे तो ड्राइवर सीट आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर भी नहीं मिलता यहाँ पे आपको। इधर देखेंगे तो ऑटो डिमिंग IR मिल जाता है, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर एक मिल जाता है। ये पूरी की पूरी चीजें आपको अच्छी खासी मिल जाती है गाइस। जैसे अक्सर बहुत ज्यादा कारों में ओवर द टाइम यहाँ पे पूरा स्प्रिंग काम करना बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक छोटी सी चीज अच्छे डिटेलिंग में मेंटेन की गई है। सो इतने लॉन्ग टाइम होने के बाद भी अच्छी खासी क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन की गई आपको। बाकी इधर लैंप्स की देखेंगे तो हैलोजन लैंप्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है। इधर देखेंगे तो ड्राइवर सीट आपको एक मिरर मिल जाता है, बाकी इधर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। बाकी इसके डैशबोर्ड का पूरा पेंट अब तक भी अच्छा खासा मेंटेन किया गया है, अच्छा खासा पेंट की क्वालिटी भी यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको कोई भी शेडिंग वेडिंग कुछ नहीं मिलता। बाकी नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ग्लो बॉक्स में भी अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाती है, कूल्ड ग्लो बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। इधर देखेंगे तो उधर भी आपको एसी वेंट्स मिल जाती हैं। बाकी चारों डोर्स पे आपको 4 स्पीकर्स और 4 ट्वीटर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बाकी इसके रिवर्स कैमरा की एक बार क्वालिटी देखेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे रिवर्स की रेंगेज करेंगे ओवरवेम पे यहाँ पे आपको डिस्प्ले छोटा सा आके शो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको अडाप्टिव गाइडलाइंस मिल जाती है, सो वो काफी अच्छी बात है, अच्छी खासी क्वालिटी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, सो आराम से आप लोग पार्क वगैरह कर सकते हो रिवर्स। सो अब इसके इंजन की बात करते हैं। बाकी इसके इंजन स्पेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 1.4 लीटर्स का डीजल इंजन मिलता है 4 सिलेंडर के साथ। वो प्रोड्यूस करता है 88.7 bhp एंड 219.6 nm का टॉर्क। बाकी यहाँ पे आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। बाकी इसके माइलेज की बात करेंगे तो आराम से ये 18-20 का माइलेज आराम से निकाल के दे देगी, सो माइलेज के मामले में कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे भी देखो गाइस, काफ़ी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी सब कुछ मेंटेन की गई है। बाकी इसके मटेरियल की क्वालिटी पूरे आपको 8 साल के होने के बावजूद भी अच्छी खासी मिल जाती है। बाकी अच्छा खासा पेंट भी यहाँ पे आपको मेंटेन किया गया है। इंजन पूरा आपको क्लीन एंड स्मूथ रिफाइंड इंजन यहाँ पे आपको मिल जाती है। सो ये था इस गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपको कोई भी सेकेंड हैंड कार चाहिए, या फिर आपको कार देना है, या फिर आपको कार लेना है, आप इंडियन कार्स पे विजिट कर सकते हैं। आपको कौन सी भी कार चाहिए आप एक बार इस स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके इनके गैरेज पर आप विजिट कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।